हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। तो आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक लास्ट क्लास में शुरू करा हुआ था, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका पार्ट टू कर रहे हैं। और पार्ट टू के लिए जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं करा हुआ वो क्या कर सकते हो, आप लिंक दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हो क्लास वन भी इसके लिए। लेकिन आप क्लास टू के लिए देखो, हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था उस क्लास में। आज हम इसके ऊपर मेन बात करने वाले हैं, दैट इज कैमिकल शिफ्ट। वहां पे हमने पढ़ लिया था कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और सब कुछ उसके बारे में डिटेल्ड, कौन से प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा सकते हैं, कौन से नहीं दिखा सकते, वो सब बातें हुई थी। आज हम मेन बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के ऊपर। केमिकल शिफ्ट का क्या मतलब रहा? पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, मतलब कौन से एलिमेंट की कौन सी पोजीशन कहां पे बनती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चे क्या कहता है वो, द यूटिलिटी ऑफ एनएमआर इज दैट ऑल प्रोटॉन्स डू नॉट शो रेजोनेंस एट सेम फ्रीक्वेंसी। कहता है जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहे हैं, इथेनॉल आ रहा है, मिथेनॉल आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहे हैं, कीटोन्स आ रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ना उनके जितने भी उनके बीच में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं जो वो सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर स्पेक्ट्रा नहीं देते, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सबके पास अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और उसने जितने शेयर करे हुए हैं, किस तरह के बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो सब उनका एनवायरमेंट अलग है, विच इज वेरी फ्रॉम एटम टू एटम, सो दैट दे एग्जिस्ट इन स्लाइटली अ डिफरेंट इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट फ्रॉम वन अनदर। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट में रहते हैं ना। इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट मतलब उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब अलग अलग हैं तो उनका इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट है, इसकी वजह से वो कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्पेक्ट्रा नहीं बना सकते। ठीक है, आगे देखिए दूसरे में क्या कह रहा है। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, मतलब जो सिग्नल्स हमने लास्ट क्लास में ना एक कुछ ऐसा बनाया था, लाइक इधर इंटेंसिटी और इधर फ्रीक्वेंसी की बात करते करते ना हमने कुछ ऐसी पीक्स बनाई थी। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये पीक्स कैसे बनती हैं, ये सिग्नल्स कैसे आते हैं, वही है केमिकल शिफ्ट, उसी के ऊपर हमने बात करनी है। तो पोजीशन ऑफ सिग्नल इन स्पेक्ट्रम हेल्प इज टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, हेल्प अस टू नो द नेचर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। बेसिकली देखो पोजीशन है ना जो सिग्नल्स की, वो किस चीज के लिए बनती है कि प्रोटॉन किस एनवायरमेंट में पड़ा है, वो किसी एलिफेटिक कंपाउंड में पड़ा है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड में पड़ा है, जहां आप ये कह सकते हो कि उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है। जैसे जैसे उसके साथ ग्रुप्स लगे हैं ना उसके हिसाब से उनका नेचर अलग हो सकता है। सो दस दे अब्सॉर्ब एट डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसी के हिसाब से वो डिफरेंट लेवल का मैग्नेटिक फील्ड अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाता है। समझ आई बात क्या कह रहा है? कहता है स्पेक्ट्रम में सिग्नल्स अलग अलग क्यों बनते हैं प्रोटॉन्स के, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो जो प्रोटॉन है वो किस एनवायरमेंट में पड़ा है, मतलब वो किसी एलिफेटिक कंपाउंड का प्रोटॉन है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड का प्रोटॉन है, उसके साथ कैसा ग्रुप लगा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, दैट इज, या उसके अलावा मतलब वो कैसे एनवायरमेंट में पड़ा है उसके हिसाब से वो उतने ही उसी के हिसाब से ही वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अब्सॉर्ब करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को अब्सॉर्ब करते हैं, इसके लिए उनके स्पेक्ट्रम्स भी डिफरेंट डिफरेंट ही बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है वो यहाँ पे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेन। यहाँ पे दो चीजें आ रही है बात, शील्डेड प्रोटोन जिसको शील्डिंग कहते हैं और डी शील्डेड प्रोटॉन जिसको डी शील्डिंग कहते हैं। हमें यह समझना है कि ये शील्डिंग एंड डी शील्डिंग क्या है। पहले दोनों पॉइंट्स में तो उसने सिंपली बता दिया है ना, अब हमें बात करनी है कि शील्डिंग एंड डी शील्डिंग क्या है। तो उसके लिए ना मतलब ये चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसके बेस पे बात करते हैं। तो हम चलते हैं यहां, आ जाइए बच्चे, ये देखिए ध्यान से देखना इस चीज को। उसने क्या करा हुआ है यहाँ पे, उसने यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिया हुआ है। इथाइल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 Cl, मतलब Cl क्या है,
सीएल एक हैलोजन है, डैट मीन्स वो एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। एक उसके बिल्कुल साथ में कार्बन है जिसके पास दो हाइड्रोजन है, इस उसके आगे वाला कार्बन है जिसके पास तीन हाइड्रोजन है। अब ये तीनों हाइड्रोजन भी प्रोटोन है, ये दोनों हाइड्रोजन भी प्रोटोन है, हाइड्रोजन इज प्रोटोन, है ना बेसिकली। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के नेचर में क्या फर्क है। कहते जो अगर आप इसकी बात करो जिसको मैंने शील्डेड प्रोटोन कहा हुआ है, क्यों कहा हुआ है, अगर आप ये वाले हाइड्रोजन की बात करो और इसकी बात करो तो डिफरेंस देखो। पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है, कार्बन के अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जिसमें से 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन के पास। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस उसमें खींचने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, वो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, वो अपने बना लेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होएगा उससे, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जानी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना उसके पास। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, उसका एनवायरमेंट मतलब उसका इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट खराब हो जाता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। तो अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, दैट मीन्स जो ये वाले उसके प्रोटॉन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो बेसिकली प्रोटेक्शन है, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे प्रोटेक्शन है, लेकिन वो एक तरह की प्रोटेक्शन है। तो इनके पास नहीं बचे वो प्रोटेक्शन वाले, इन दोनों हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, तो ये कौन से हो गए, ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स हो गए। समझ आई बात। देखो अब पहले वाला जो ये कार्बन है ना, इसके साथ डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है वो इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी रखता है, उसने खींच लिए। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का घर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चले गए, उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बची। दैट मीन्स जो जिन इलेक्ट्रॉन्स ने इन हाइड्रोजन को शील्ड करना था, इनको प्रोटेक्ट करना था, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहे। दैट मीन्स ये वाले हाइड्रोजन क्या हो गए, डी शील्डेड हाइड्रोजन हो गए या डी शील्डेड प्रोटॉन्स हो गए। ऑन द अदर हैंड जो ये वाला कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से थोड़ा दूर है, ठीक है। सो इस वजह से उसके जो कार्बन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बचे रहेंगे। नो डाउट ये इफेक्ट डालेगा, आगे आगे इफेक्ट डालता है, बट इतना इफेक्ट तो नहीं डालेगा ना। तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बचे रहेंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होएगी। मोर होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन को ज्यादा शील्ड कर सकते हैं, ज्यादा शील्ड कर सकते हैं। दैट मींस वो कौन से हो गए, शील्डेड प्रोटॉन्स हो गए। बात समझ आई, डी शील्डेड एंड शील्डेड प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया। अब हम इसको समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसे पड़ता है इनके ऊपर। देखिए जैसे हम अगर बात करें, यस यहाँ पे आ जाते हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने वो वाला ना शील्डेड प्रोटोन, शील्डेड प्रोटोन को मैंने ए से डिनोट करा हुआ था, डी शील्डेड प्रोटोन को मैंने स्मॉल बी से करा हुआ था। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट लिया सिंपल, हमने उसमें ना एक शील्डेड प्रोटोन रख दिया, मतलब ए वाला प्रोटोन रख दिया जिसको हमने ए से डिनोट करा था। मैंने शील्डेड प्रोटोन रखा, अब शील्डेड प्रोटोन है ये जो मैंने बनाया हुआ ना, ये मैग्नेट की फॉर्म में, टाइनी मैग्नेट की फॉर्म में लिया है मैंने उस प्रोटोन को, वो क्या है, वो मेरा शील्डेड प्रोटोन है। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, शील्डेड प्रोटॉन मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है उसके अराउंड, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, उसका इफेक्ट उसके ऊपर कम पड़ेगा क्योंकि उसके अराउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स ने अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड पहले से अप्लाई कर रखा है। वो होता है अंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो किसी का पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड होता है आप उसको अंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना अंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा है कि क्या होता है जब वो अपने स्पिन के अराउंड घूमते हैं तो वो अपने लिए मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं अपना पर्सनल, दैट इज अंड्यूस्ड। तो इसने बना रखा है, तो हमने अप्लाइड दे दिया, अप्लाइड हमने उससे उल्टा देना होता है हमेशा अगेंस्ट, तो इसके ऊपर इफेक्ट डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, ओपोजिट चीज देना बहुत मुश्किल है। तो जो ये वाला है, मतलब ये हमारा मैग्नेट है, इसको पूरे 180 डिग्री पे फ्लिप करना बहुत मुश्किल है। हम 180 डिग्री पे फ्लिप करके अल्फा स्टेट में लेके आते थे ना, तो इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करना बहुत मुश्किल है। तो ये नो डाउट ये फ्लिप होएगा, इसके ऊपर बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा लेकिन वो बहुत अच्छे से फ्लिप नहीं होएगा।
तो ये क्या है, जो ये वाला मैग्नेट है जो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा ना, अल्फा स्पिन स्टेट में लेके जाना है जब इसको, जो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा वो बहुत कम इफेक्ट आएगा। कितना को हो सकता है? हो सकता है वो 120 डिग्री पे थोड़ा रोटेट कर जाए, हो सकता है वो 75 डिग्री पे ही करे, हो सकता है 90 पे, पर वो बिल्कुल प्रॉपर फ्लिप नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, जिसकी वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अपना प्रॉपर इफेक्ट नहीं डाल पाया, तो वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। देखो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, वो थोड़ा सा उसमें घूम गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फील कर रहा है लेस अप्लाइड एच नॉट, एच नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो कम फील कर रहा है, डन। अब क्या करना है, अब हमने इनमें क्या कर देनी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंटर कर देनी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एंटर करा मैंने, रेडियो फ्रिक्वेंसी को जब मैंने इनमें एंटर करा तो वो 120 के आसपास तक तो पहले ही फ्लिप कर चुका था, अब बहुत कम एनर्जी लगनी है और उसने आ जाना है बिल्कुल अपने ट्रैक पे, तो उसके ऊपर एनर्जी दी, रेडियो फ्रिक्वेंसी में लेके गए, उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करी, वो आ गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा, मतलब जैसे नॉर्थ साउथ था, अब उल्टा आना होता है ना, बीटा स्टेट में लेके जाना है ना, हमने बीटा स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड होएगा, फिर वो नीचे आएगा, स्पेक्ट्रा बनेगा, हमें तो स्पेक्ट्रा से मतलब है, तो हम उसको लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्लिप, और रेजोनेंस के लिए उसको लेस एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे वो बीटा स्टेट में चला गया और हमें वही चाहिए थी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप बात करो बच्चे शील्डेड प्रोटोन की, सॉरी डी शील्डेड प्रोटोन की, डी शील्डेड प्रोटोन कौन सा था, बी वाला, बी वाला कौन सा था, डी शील्डेड प्रोटोन CH2 वाला, डी शील्डेड प्रोटोन की बात करो, जैसे वो ये प्रोटोन पड़ा हुआ है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, इसके अराउंड क्या है, आप डी शील्डेड प्रोटोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, लेस होने की वजह से देखो बच्चे क्या करा उसने, हमें वो लेस होने की वजह से उसके अराउंड उसको शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उन्होंने अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करा हुआ, तो हम जो अपना मैग्नेटिक फील्ड देंगे, जैसे ये मैं दे रही हूँ यहाँ पे एच नॉट, अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, दैट मीन्स फील हाई मैग्नेटिक फील्ड, एच नॉट को ज्यादा फील करा उन्होंने और वो अच्छे से फ्लिप हो गया, देखो वो फ्लिप हो गया अच्छे से, बट वो फ्लिप किस स्टेज में हो गया, ये ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, मतलब सेम विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाली सिचुएशन में वो फ्लिप हो गया, वहां पे उसको फ्लिप होने पे कौन से स्टेट में चले गया, अल्फा स्टेट में, दैट इज मोर स्टेबल स्टेट, अब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देके उसको बीटा की तरफ घुमाना पड़ेगा, और उसके लिए कितनी एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, जब वो डेल्टा ई एनर्जी को मैच कर जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब वो उतनी एनर्जी को मैच कर गया तो उसने फ्लिप कर जाना है। देखो अब मैंने इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एंटर करा, एंटर करने पे क्या हुआ, वो देखो फ्लिप कर गया, सो यहाँ पे मेरे को मोर एनर्जी चाहिए टू शिफ्ट, टू शिफ्ट टू फ्लिप करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मोर एनर्जी चाहिए। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज दिस, फॉर द डी शील्डेड प्रोटोन, डी शील्डेड जो प्रोटोन्स होते हैं उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई हो पाता, जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई हो पाता तो उनके ऊपर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है, ज्यादा इफेक्ट होने की वजह से वो पहले तो अपनी अल्फा स्टेट में चले जाते हैं, दैट इज मोर स्टेबल स्टेट, मतलब प्रॉपर फ्लिपिंग कर जाते हैं, फिर उसके बाद जब हमें उनको अपनी बीटा स्टेट में लेके आना होता है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको फ्लिप करने के लिए, पर ऊपर क्या था, उल्टा केस था, वो पहले उन्होंने मतलब ऐसे फ्लिप ही थोड़ा सा करा स्लाइटली, फिर वहां से उसको घुमाने के लिए तो कम एनर्जी चाहिए ना हमें, और घुमाना कहाँ पे होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में, बीटा होती है उल्टी, अल्फा होती है सेम डायरेक्शन, सेम होगी स्टेबल, और उल्टी बन गई तो डैट मीन्स वो अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट पे लेके आएंगे तो वो अपने स्टेबल पे आते टाइम रेडिएशन इमिट करेगा, जो हमारी कौन सी रेडिएशन होंगी, स्पेक्ट्रम वाली रेडिएशन, गॉट इट। चलो आ जाओ आगे, आगे देखते हैं, यहाँ पे मेरे को लगता है आपको पता चल गया शील्डेड एंड डी शील्डेड प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, जिसके लिए हमने इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल लेके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे देख रहे हैं बच्चे हम, यहाँ पे आ जाइए, है ना, अब मैंने ये शील्डेड एंड डी शील्डेड वाला प्रोटॉन लिया था कि शील्डेड एंड डी शील्डेड जो प्रोटॉन है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आइए बच्चे, मैंने ना ये वाली पीक बना ली, ये मैंने CH2 वाला, मतलब ये मैंने
बी वाला लिया है, ये मेरा ए वाला हो गया है ना, मतलब दिस इज ए दिस इज बी, बी वाला मतलब बी शील्डेड, ए वाला मतलब शील्डेड, डन। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है, सच शिफ्टिंग, शिफ्टिंग हुई है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट की तरफ, शिफ्टिंग ऑफ इन पोजिशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम और सिग्नल विच अराइजेस ड्यू टू शील्डिंग और डी शील्डिंग ऑफ प्रोटोन बाय द सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। यही जो हम शिफ्टिंग करते हैं ना, मतलब उसको डिपेंड करता है पहले तो शील्डेड है या डी शील्डेड है, फिर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी शिफ्ट करने के लिए या कम देनी पड़ेगी। और वो जो हम शिफ्टिंग करते हैं उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, उनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एंटर करके जो उसमें शिफ्टिंग करते हैं, जो शिफ्टिंग के लिए एनर्जी अप्लाई करते हैं, दैट ऑल इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट, डन। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो केमिकल शिफ्ट है जिस तरह से डिनोट करते हैं उसको फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इनटू 10^6। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ppm में फाइंड करना होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यू पीपल नो अबाउट दैट होपफुली कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है ना, सो पार्ट्स पर मिलियन में करना होता है तो इंटू 10^6 कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि निकालते कैसे हैं, पार्ट्स पर मिलियन में इसको लेके कैसे जाते हैं। देखिए यहां पे उसने क्या करा, उसने पहले ये TMS है, जो मैंने यहाँ पे भी TMS लिखा, मैं बता रही हूँ ये चीज क्या TMS है, पहले ये, इसको उसने रेफरेंस ले लिया है क्योंकि इसकी पीक है ना जो वो जीरो पे बन रही है, और जिसकी पीक जीरो पे बनती होती है वो रेफरेंस होता है हमेशा। जीरो पे क्यों बन रही है, देखो जितना ज्यादा अच्छा शील्डेड प्रोटोन होगा उतनी ज्यादा उसकी पीक लोअर पे बन जाएगी, समझ के, जितना ज्यादा देखो जैसे ये शील्डेड प्रोटोन है ना हमारा ए, ए की पीक देखो लोअर पे बन रही है बट बी की आगे बन रही है, मतलब जितना ज्यादा वो अच्छा शील्डेड मटेरियल होगा उतनी ज्यादा उसकी पीक लोअर पे बनेगी, गॉट इट। सो TMS है जो वो एक बहुत मतलब बेस्ट शील्डेड मटेरियल है, शील्डेड है, बेस्ट शील्डेड मटेरियल है, बेस्ट शील्डेड मटेरियल होने की वजह से ना जो उसकी पीक है वो जीरो पे बनती है, और जिसकी पीक जीरो से बनती हो आप उसको रेफरेंस मान सकते होते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, गॉट इट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMS, दिस इज ट्राईमिथाइल सिलेन, एक कंपाउंड है ट्राईमिथाइल सिलेन, ये एक बहुत अच्छा शील्डेड मटेरियल है, शील्डेड का मतलब आप समझते हो जिनके ऊपर दूसरे ग्रुप ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं ना, तो जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, सो वो एक बेस्ट शील्डेड मटेरियल है, इसलिए उसकी जो पीक है वो लोअर पे बनेगी, लोअर पे बनने की, लोअर में ये जीरो पे बनती है इसकी, तो जीरो पे जिसकी बनती होती है आप उसको रेफरेंस ले सकते हो, गॉट इट। नाउ देखो हमने ग्राफ बनाया इंटेंसिटी एंड ppm के बीच में, और यहाँ पे ये हो गया ए वाला, ए वाला कौन सा हो गया हमारा शील्डेड प्रोटोन, एंड बी वाला हो गया दूसरा प्रोटॉन, गन। यहाँ पे ना हमने इंटेंसिटी की जैसे ग्राफ में प्रॉपर वैल्यूज दी होंगी वो नहीं दी हुई, यहाँ पे हम अभी जर्नल बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में तब आप लोगों को वैल्यूज मिलेगी, तब हम इसमें पुट करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, जैसे हमने ए सिग्नल की फाइंड करनी है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आई होगी, हम अकॉर्डिंग वो पुट कर देंगे कितनी फ्रीक्वेंसी रही होगी, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस की कितनी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज जीरो नाउ, है ना जीरो है, सो जीरो के अकॉर्डिंग वो पुट कर देंगे यहाँ पे रेफरेंस। स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारी, स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी बात करनी, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो नीचे पुट कर देंगे, इंटू 10^6 करेंगे तो हमारे पास केमिकल शिफ्ट आ जाएगी, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल शिफ्ट, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए सब कुछ, ये क्या चीज है कैसे है। हम इसके थोड़ी कंक्लूजन की बात करें बच्चे, थोड़ा ओवरव्यू दें लास्ट पे, कंक्लूजन देखें क्या कहते हैं, क्या कहता है वो। सबसे पहले तो आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम क्या है, हमें डिटरमिन करके देना है उसने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता करनी है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में वो पड़ा है वो आप कर सकते हो। कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा देते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो प्रोटॉन किस एनवायरनमेंट में पड़ा है, कि वो किसी एलिफेटिक कंपाउंड का प्रोटॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड का प्रोटॉन है, या वो किसी ऐसे कंपाउंड का प्रोटॉन है
लाइक जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, या ऐसे कंपाउंड का है जिसके साथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप लगा है, इट डिपेंड्स, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने बना रहा है। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है मेन, वो कहता है उसके लिए आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन सी, डी शील्डेड एंड शील्डेड प्रोटोन। शील्डेड एंड डी शील्डेड जो प्रोटोन्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहली चीज शील्डेड प्रोटोन्स कौन से होते हैं और डी शील्डेड प्रोटोन्स कौन से होते हैं, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहली चीज, है ना। वो हम लोगों ने समझ ली थी कि डी शील्डेड कौन से होते हैं, शील्डेड कौन से होते हैं। हमने यहाँ पे बात करी थी शील्डेड वो होते हैं जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, डी शील्डेड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इफेक्ट डाल देता है अपना, ठीक है। ज्यादा इफेक्ट डालने के लिए हमें हायर एनर्जी पे उसकी फ्लिपिंग करनी पड़ती है, इसके ऊपर हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपना इफेक्ट नहीं डाल पाता उतना, उसकी वजह से हमें लोअर एनर्जी पे इसकी फ्लिपिंग कर देते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन होगा उतनी ज्यादा उसकी पीक लोअर बनेगी। TMS हमने एक शील्डेड प्रोटॉन उसको कंसिडर करा था, मतलब मोस्ट शील्डेड मटेरियल जिसकी पीक जीरो पे बन जाती है, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी जीरो ही आ जाती है। दैट मीन्स उसको आप हमेशा रेफरेंस मान के केमिकल शिफ्ट के फॉर्मूला में अप्लाई करके आप पता कर सकते हो कि इस प्रोटॉन की कितनी शिफ्टिंग आई है, या किसी भी प्रोटॉन की आपने निकालनी होगी तो वो आप वहां से निकाल सकते हो। ये रहा हमारा केमिकल शिफ्ट। आगे हम अगली क्लास में और डिटेल बातें करेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर केमिकल शिफ्ट इफेक्ट करती है, या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हुआ इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। और आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई भी चाहिए लेक्चर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में, किसी भी लेवल तक, लाइक CSIR नेट है, मास्टर कैडर कर रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन नीट कर रहे हो, JEE कर रहे हो, तो आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो कि उस टॉपिक के ऊपर चाहिए, सो हम लोग उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।